सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की नई एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे एंड आगे भी मस्त रहने वाले हो। तो अभी गाइस देखो, इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को फायर बटन के ऊपर एक वीडियो बना के दी एंड उससे पहले मैंने आप लोगों को सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर बताया था, जिसमें कि मैंने यार देखो 2GB, 3GB एंड 4GB की रेम वालों के लिए बताया था कि आप लोग को सेंसिटिविटी किस तरीके से मेंटेन करनी है। एंड वहां पर गाइस देखो, मैंने आप लोग को एक चीज और बताई थी कि अगर आप लोग का डिवाइस थोड़ा हाई जीबी का है, लाइक 6GB, 8GB या फिर 12GB का है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक के ऊपर जरूर से लेकर आऊंगा। तो मतलब देखो गाइस, बहुत सारे प्लेयर ने यार वहां पर कमेंट किया है, किसी का 6GB का डिवाइस है, किसी का 8GB का एंड किसी का 4GB का है। तो डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में मैं हर एक रेम के हिसाब से आप लोग को सेंसिटिविटी कवर कराने वाला हूं। देखो आप सभी को पता होगा, अभी एक दो दिन पहले हमारी फ्री फायर मैक्स में अपडेट भी आया एंड अपडेट के बाद यार देखो नॉर्मल सी बात है, हमारी सेंसिटिविटी में भी चेंजिंग आएंगे एंड हमारी जो अदर सेटिंग्स होती है उसमें भी काफी ज्यादा चेंजिंग हो जाती है। देखो इस अपडेट का ना सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी गेम प्ले के ऊपर पड़ता है, मतलब जिसका देखो पहले वन टैप हेड शॉट पड़ता था वो मतलब अभी इस टाइम में वन टैप हेड शॉट नहीं लगा पा रहे। एंड इसमें एक बड़ा सबसे ज्यादा चेंज ये भी आया है, देखो जब हम लोग डैमेज देते हैं ना, तो अपडेट के बाद क्या है, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा रेड डैमेज है या फिर कौन सा येलो डैमेज है, मतलब सारा डैमेज इन्होंने बिल्कुल व्हाइट कर दिया है। सिर्फ हेड शॉट की बारी क्या होता है ना, जस्ट यार देखो एक हल्की सी साउंड आती है, मतलब ऐसे टन टन करके हमें साउंड आती है कि हाँ हेड शॉट पड़ा है, लेकिन रेड नंबर का डैमेज वहां पर नहीं दिखता है। तो ये भी देखो अपडेट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये अपडेट कैसा लगा है। एंड बाकी अगर यहाँ पर देखो सेंसिटिविटी की बात रहती है, तो वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। एंड लिटरली गाइस देखो, अपडेट के बाद जो मैं आप लोग को ये वाली सेंसिटिविटी बताऊंगा ना, इससे आप लोग बहुत ही तगड़ा गेम प्ले करने वाले हो, क्योंकि यार देखो आप लोग का डिवाइस तो एक तो पहले से ही बढ़िया होगा। मतलब मेरा मानना ये है, देखो यार 4GB, 6GB एंड 8GB एंड 12GB के डिवाइस काफी बढ़िया होते हैं, उसमें ऑलरेडी देखो फास्ट मूवमेंट क्रिएट होती है, उसके बाद हमें जस्ट सेंसिटिविटी को अप्लाई करना होता है बढ़िया से। यहाँ पर आप लोग को आफ्टर अपडेट के बाद कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग को किस तरीके से मेंटेन करने अपनी हाईली डिवाइस में, तो यार देखो सिंपल सा यहाँ पर फंडा है, कोई भी ज्यादा सेटिंग यहाँ पर आप लोगों को चेंजिंग नहीं करनी है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का सा चेंज आएगा, जो कि आप लोगों को वीडियो में आगे पता लग जाएगा कि कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग को आप लोगों को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो चलिए गाइस हम लोग फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट यार देखो उससे पहले प्लीज यार, चैनल के ऊपर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना यार, ऐसे मतलब बिल्कुल वीडियो को मत छोड़ा करो यार। आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, यार देखो ना इस चैनल से आप लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब मैं आप लोगों को ना बिल्कुल रियल ट्रिक बताऊंगा जो कि आप लोग को अप्लाई करनी है, मतलब फ्री फायर से रिलेटेड आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, आप यहाँ पर गाइस आके बिल्कुल देख सकते हो आसान तरीके से। एंड इस चैनल से गाइस देखो आप लोगों को लिटरली काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, सो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। नीचे रेड कलर का बटन दिया होता है सिंपल, उसके ऊपर आप लोग गाइस देखो टैप करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। चलिए फिर हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास 6 सेंसिटिविटी सेटिंग अवेलेबल होती है, मतलब ये जो 6 सेंसिटिविटी है ना, इसमें आप लोग मतलब फ्री लुक के अलावा बाकी सारी सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो फ्री लुक होता है ना वो आप लोग को यहाँ पर कोई भी वन टैप हेडशॉट या फिर मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो हम लोग गाइस देखो फिलहाल यहाँ पर ये फ्री लुक की सेंसिटिविटी सेटिंग को इग्नोर करेंगे, आप लोग इसे 100 भी रख सकते हो या फिर नॉर्मल 0 भी रख सकते हो, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यार देखो जो फ्री लुक होता है ना वो हमारा आई बटन होता है, आप सभी को पता होगा। बट उसके अलावा गाइस देखो ऊपर आप लोग जितनी भी सेंसिटिविटी देख रहे हो ना, हर एक सेंसिटिविटी का अपना अपना रोल है, आप लोग को इन्हें मेंटेन करना ही पड़ेगा, भले आप लोग जब देखो स्कोप के साथ खेल रहे हो या फिर स्कोप के साथ नहीं खेल रहे, आप लोग वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो या फिर कोई भी मतलब अदर स्नाइपर यूज कर रहे हो, सारी की सारी सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोग को काम में आने वाली है। एंड वहीं पर देखो जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ, एंड हाई डिवाइस में तो गाइस देखो सबसे ज्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी गाइस देखो सबसे पहले हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी से। एंड यार देखो जो स्नाइपर स्कोप होता है ना वो यार देखो हाई एंड डिवाइस में काफी बढ़िया वर्क करता है, तो आप लोग इसे तो बिल्कुल भी मिस मत करो। तो अब यार देखो अगर आप लोग स्नाइपर का यूज करते हो, मतलब डबल AWM चलाते हो या फिर सिंपल AKWM चलाते हो, M82B कार्नेटेड, मतलब कोई भी स्नाइपर गन होती है ना, इन गन का गाइस अगर आप लोग देखो यूज करते हो, तो आप लोगों को क्या करना है अपने डिवाइस में यहाँ पर आफ्टर अपडेट के बाद अपनी ये वाली सेंसिटिविटी सेटिंग 44 रखनी है, मतलब देखो 44 से 45 तक आप लोग इसे रख लो। देखो बहुत सारे प्लेयर ना कंफ्यूज होते हैं कि यार मतलब 44 के ऊपर रखकर क्या होगा, हम लोग इसे 50 रखते हैं या फिर 100 रखते हैं, तो यार देखो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ना, आप लोग को ऐसे डायरेक्ट इसका फर्क नहीं नजर आएगा, बट जब आप लोग इसका यूज करते हो ना, मतलब स्नाइपर का यूज करते हो, मेनली गाइस देखो जब आप लोग का स्कोप ऑन होता है ना, तब गाइस आप लोग ये चीज नोटिस करना, अगर आप लोगों ने इसे काफी ज्यादा बढ़ाकर रखा है या फिर बहुत ही कम करके रखा है ना, तो ये गाइस देखो आप लोग की गोलियां ना रिकॉइल कर देगा, मतलब आप लोग का स्कोप बढ़िया से नहीं वर्क कर पाएगा। बट यहाँ पर गाइस देखो अगर आप लोग जितना मैंने बताया मतलब 44 से लेकर 45 तक रखोगे ना, तो आप लोग का मतलब हाई एंड डिवाइस में स्नाइपर का स्कोप बहुत ही तगड़ा वर्क करेगा, मतलब आप लोग की गोलियां बिल्कुल भी रिकॉइल नहीं खाएगी। आप लोग गाइस देखो एक बार इसे जस्ट ट्राई जरूर से करना, मेरा खुद का
का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे गाइस देखो हवा हवा में नहीं कह रहा हूँ, आई होप आप लोग इसे ट्राई जरूर से करोगे। एंड उसके बाद देखो यार यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मतलब अदर स्कोप की, जिसमें 4x आता है, 2x आता है एंड रेड डॉट भी आता है। तो यार देखो रेड डॉट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2x भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड 4x भी इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, मतलब AR की गन होती है या फिर SMG गन होती है, कोई भी गन होती है ना, तो इसमें आप सभी को पता होगा जब हम लोग स्कोप का यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग यार यहाँ पर ना हेडशॉट बहुत ही इजीली दे पाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग बिल्कुल हेडशॉट दो, आफ्टर अपडेट के बाद देखो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी है, मतलब आप लोग का देखो 4x एंड 2x रहेगा 75 तक एंड उसके बाद आप लोग का रेड डॉट रहने वाला है 90 तक। मतलब ये तीन आप लोग एक बार ट्राई करना, बहुत ही तगड़ी यहाँ पर आप लोग के स्कोप के साथ SMG भी चलेगी एंड AR की गन भी चलेगी। 2x एंड 4x को आप लोग को 75 से ज्यादा नहीं बढ़ाना है एंड वहीं आप लोग को रेड डॉट को 90 से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 90 से कम भी नहीं करना। एंड गाइस इसका मैं आप लोग को एक और बता देता हूँ, ये ना मतलब धीरे धीरे वर्क करेगा, मतलब डायरेक्ट आप लोग को इसके ऊपर आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग इस वाली सेंसिटिविटी को अगर ट्राई करोगे तो आप लोग यहाँ पर एक या दो दिन के बाद ना बहुत ही तगड़ा यहाँ पर हेडशॉट कनेक्ट कर पाओगे स्कोप के साथ। तो ये वाली सेंसिटिविटी भी गाइस आई होप आप लोग ट्राई जरूर से करोगे। फिर उसके बाद हम लोग सबसे अपनी मेन सेटिंग के ऊपर चलते हैं जो कि हमारी जनरल की रहती है। अब यार देखो जो जनरल सेंसिटिविटी होती है ना वो हमारे करेक्टर को भी कंट्रोल करती है एंड हमारा जो एम होता है उसको भी गाइस काफी हद तक कंट्रोल करती है। देखो आप सभी ने देखा होगा मतलब बहुत सारे प्लेयर ना फास्ट मूवमेंट क्रिएट करते हुए रेड नंबर में डैमेज दे लेते हैं, तो आप लोग को भी अगर ये चीज करनी है तो हाई एंड डिवाइस के लिए गाइस देखो यहाँ पर मैं आप लोग को जनरल की सेंसिटिविटी सेटिंग यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप लोग को हमेशा इसे 85 तक ही रखना है, मतलब 85 से 90 तक के राउंड में रखना है, इससे ज्यादा मत बढ़ाना। यार देखो 85 से लेकर 90 तक के बीच में ना आप लोग इससे बहुत ही तगड़ा यहाँ पर अपने करेक्टर को कंट्रोल कर लोगे, मतलब ज्यादा यहाँ पर अनकंट्रोल नहीं होगा एंड काफी स्लो भी नहीं होगा। आई होप गाइस आप लोग ये सारी सेंसिटिविटी सेटिंग को ट्राई जरूर से करोगे, कोई भी गाइस देखो ये फेक सेंसिटिविटी नहीं है, जस्ट एक बार ट्राई करना है एंड खुद आप लोग को पता लगेगा कि हाँ यार फर्क तो काफी पड़ा है। आई होप आप लोग के लिए वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया रही, आप लोगों ने बढ़िया पसंद किया होगा। तो यार देखो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड फिर से याद देना जरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना एंड हाँ कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखना कि आप लोग को अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए एंड आप लोग का डिवाइस किस रेम का है, ताकि मैं यार देखो बढ़िया तरीके से आप लोगों को वीडियो बनाकर लेकर आऊं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जय श्री राम, राधे राधे।